आरोपी विजय यादव की पुलिस रिमांड पूरी। विजय से साजिशकर्ता का नाम नहीं उगला सकी है पुलिस। विजय ने रिमांड के तीसरे दिन पुलिस को खूब दौड़ाया है। विजय ने शहर के कई हिस्सों में पुलिस को दौड़ाया है। पुलिस के कई सवालों को गोलमोल जवाब देता रहा। पहले कैसरबाग के पास बने सुलभ शौचालय लेकर गया शूटर विजय यादव ने। वही वकील के कपड़े पहने थे। संवाददाता मजर हुसैन इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। मजर, जब संजीव जीवा हत्याकांड हुई थी तुरंत एसआईटी गठित कर दी गई थी, जिसके बाद से एसआईटी ने शूटर विजय यादव को रिमांड पर भी लिया और आज इतने दिन हो गए इस हत्याकांड को जो राजधानी के सिविल कोर्ट में हुई थी, अभी तक एसआईटी के हाथ में कुछ खास सबूत नहीं लगे हैं या फिर शूटर ने कुछ खास बातें नहीं उगली है एसआईटी की पूछताछ में, ऐसी खबर सामने आ रही है। जी त्रिशला, देखिए बिल्कुल जिस तरह से संजीव जीवा माहेश्वरी हत्याकांड का जो मुख्य शूटर था विजय यादव, उसकी तीन दिन की रिमांड पूरी हो चुकी है। एसआईटी की निगरानी में ये पूरी रिमांड को रखा गया और जांच पड़ताल की जा रही है। तीसरे दिन भी अगर सूत्रों की माने तो शूटर विजय यादव ने पुलिस को काफ़ी गुमराह किया और काफ़ी दौड़ाया। कैसरबाग स्थित एक सुलभ में ले गया, जहाँ पर उसने बताया कि वहीं पर उसने हत्याकांड से पहले अधिवक्ता की ड्रेस को पहना था। सूत्रों की माने तो 5 लाख रुपए उसने लिए थे और एक अनजान शख्स द्वारा उसको रिवॉल्वर दी गई थी, जिससे उसने संजय माहेश्वरी की हत्या की थी। एसआईटी की निगरानी में ये पूरी जांच पड़ताल हो रही है। पूरी रिमांड होने के बाद अब उसको लखनऊ की हाई सिक्योरिटी बैरिक में वापस भेज दिया गया है। अगर एसआईटी की माने तो अब तक वो मास्टरमाइंड का उसने नाम नहीं बताया है, जिसके जवाब से एसआईटी संतुष्ट नहीं हुई है। 22 जून तक एसआईटी शासन को रिपोर्ट सौंपेगा, लेकिन जिस तरह से शूटर विजय यादव अब तक पुलिस को गुमराह करने का काम कर रहा है, ये एक बड़ी बात है और अब तक ठोस जवाब नहीं दे रहा। जो मुख्य साजिश करता है उसके बारे में अब तक एसआईटी पता नहीं लगा पाई है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि उसका ये कहना था कि लखनऊ में उसको अनजान शख्स के द्वारा रिवॉल्वर दी गई, पैसा उसको मिला था, कैसरबाग के सुलभ में उसने अधिवक्ता की ड्रेस को पहना था। साफ तौर पर 3 दिन की पूरी रिमांड हो चुकी है, लेकिन अब तक भी पुलिस को कहीं ना कहीं जो शूटर विजय यादव है वो गुमराह कर रहा है। हालांकि रिमांड पूरी होने के बाद पुलिस ने एसआईटी ने उसको अब लखनऊ की हाई सिक्योरिटी जेल की बैरक में डाल दिया है और 22 जून तक एसआईटी शासन को रिपोर्ट सौंपेगा। जी लेकिन मजर देखिए, तुरंत से एसआईटी गठित की गई, त्वरित कार्रवाई इस पर की गई, खासा आक्रोश वकीलों में भी देखने को मिला था और जो शूटर विजय यादव है उसके पास से नेपाली सिम भी मिला था। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सिविल कोर्ट में यह घटना हुई थी, जिस घटना ने वकीलों के भी सिक्योरिटी पर तमाम सवाल खड़े किए थे और वैसे में इतने दिन हो जाना, कोई भी क्ल्यू नहीं लगा पाना, कहीं ना कहीं कई सवाल पहले भी जिस प्रकार से अधिवक्ताओं ने पुलिस पर खड़े किए थे, पुलिस प्रशासन पर, यह भी कहीं ना कहीं खड़ा करता है क्योंकि इस प्रकार की घटना से कहीं ना कहीं प्रदेश दहलता हुआ नजर आया था। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पिछले दिनों संजीव जीवा माहेश्वरी की कोर्ट में दिन दहाड़े गोली मारकर शूटर विजय द्वारा हत्या कर दी गई थी, उसके बाद से जो अधिवक्ता समाज थे उनमें काफ़ी आक्रोश था। आपने वीडियो में भी देखा होगा कि किस तरह से शूटर को पकड़ने के बाद पुलिस की मौजूदगी में अधिवक्ता ने काफ़ी आक्रोशित होकर पीटा था, जिसके बाद जो बार हैं लखनऊ अधिवक्ता के सेंट्रल बार हैं उनकी तरफ से एक DCP और ADCP को ज्ञापन दिया गया था कि इस तरीके की घटनाएं ना हो और कोर्ट परिसर में कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं की सुरक्षा की मांग की गई थी। उसके बाद लगातार से एसआईटी पूरे इस मामले की जांच कर रही है, जो विवेचक हैं वो जांच कर रहे हैं, लेकिन अब तक ठोस जवाब शूटर विजय यादव की तरफ से नहीं दिया गया है। आखिरकार इस पूरे हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता कौन था, अब तक ठोस जवाब एसआईटी को नहीं मिला है। शातिर है ये शूटर, साफ तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस को गुमराह करता नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो तीसरे दिन भी रिमांड पर ये लखनऊ पुलिस को ले गया अपने साथ और सुलभ कैसरबाग के एक सुलभ शौचालय में उसने बताया कि यहीं पर उसने अधिवक्ता की ड्रेस को पहना था। लखनऊ में अनजान शख्स के द्वारा उसने ये भी बताया रिवॉल्वर दी गई थी, लेकिन जिस तरह से आज कई दिन बीत गए हैं
शहर का इतना बड़ा हत्याकांड है जिससे पूरी राजधानी दहल गई थी, जो अधिवक्ता समाज था उनमें काफी आक्रोश था, लेकिन अब तक एसआईटी को भी वो ठोस जवाब नहीं मिला है, जिसके कारण अब 22 जून को एसआईटी शासन को रिपोर्ट सौंपेगा। साफ तौर पर उसको हाई सिक्योरिटी बैरक में लखनऊ जेल में डाल दिया गया है और एक बार फिर से पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस सूत्रों के आधार पर, सीसीटीवी के आधार पर लगातार ये जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिरकार इस शूटर के पीछे मास्टरमाइंड कौन था और आखिरकार किसके कहने पे इसने इतनी बड़ी घटना को दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में अंजाम दिया। अब तक एसआईटी जांच पड़ताल कर रही है, 3 दिन के लिए इसको रिमांड पर लाया गया था। इसकी रिमांड पूरी होने के बाद अब शूटर विजय यादव को हाई सिक्योरिटी बैरक में जेल में भेज दिया गया है और अब जो पुलिस है वो पता लगा रही कि आखिरकार किस तरह से ये पूरी घटना हुई थी और इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था, आखिरकार इस शूटर के पीछे मुख्य आरोपी कौन है जिसने इतनी बड़ी घटना को प्रदेश में करने दिया और इसके पीछे का बैक सपोर्ट कौन है। इन सभी चीज़ों को लेकर लगातार एसआईटी पूछताछ कर रही है। संतुष्ट जनक जवाब न मिलने के बाद अब एसआईटी ने इसको जेल भेज दिया है और 22 जून तक अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया मजहर। और राजधानी में बिजली को लेकर हाहाकार मचा है। एमडी